गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एस्ट्रिंजेंट, जो कि हमारा यूनिट फिफ्थ का फर्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप एंड मैकेनिज्म ऑफ एस्ट्रिंजेंट, एन एग्जांपल ऑफ टू कंपाउंड्स विच आर यूज्ड इन एस्ट्रिंजेंट, दैट इज़ पोटेशियम एंड जिंक सल्फेट। एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट टर्म जो था वो लैटिन भाषा के एक शब्द एंडस्ट्रिगेर से लिया गया था, जिसका मतलब होता है टू बाइंड फास्ट। यह ऐसी दवाइयाँ होती है जो कि मसल टिश्यू को या तो स्ट्रिक करती है या कंस्ट्रिक्ट करती है और प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करती हैं। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है सरफेस पे, और ये अपना डैमेज स्किन सरफेस पे यूज़ करी जाती है ताकि हमारी बॉडी से ब्लीडिंग कम हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि दीज आर द ड्रग्स विच रिड्यूसेस सेलुलर परमेबिलिटी। ये सेलुलर परमेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, ये सरफेस को मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और डिक्रीज कर देती हैं, एक्सुडेशन को प्रोटेक्ट करती हैं स्किन को एक्सटर्नल इरीटेशन से। इनके पास लोकल सेप्टिक एंड एंटीसेप्टिक एक्शन होता है एंड कंस्ट्रिक्ट करती हैं ब्लड वेसल्स को ताकि ये ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकें। टाइप्स ऑफ एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट तीन तरीके के होते हैं। पहला वेजिटेबल एस्ट्रिंजेंट्स, एस्ट्रिंजेंट जो कि हमें वेजिटेबल से मिलते हैं वो वेजिटेबल एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, एग्जांपल टैलिक एसिड एंड गैलिक एसिड। दूसरा मेटालिक एस्ट्रिंजेंट, मेटालिक एस्ट्रिंजेंट का टेस्ट जो होता है वो मेटल की तरह होता है और ये मोस्टली हमें मेटल से ही मिलते हैं, एग्जाम्पल एलम एंड जिंक सल्फेट। तीसरा मिसलेनियस, जो कि नाइदर हमें वेजिटेबल से मिलते हैं और ना ही एनिमल से, ये हमें बनाने पड़ते हैं, एग्जांपल अल्कोहल एंड वेरी कोल्ड वाटर। मैकेनिज्म पढ़ना है एस्ट्रिंजेंट के बारे में। ट्रांजिशन मेटल कैटायन के प्रोटीन प्रेसिपिटेट एक्शन होता है। जब कभी भी हम मेटल कैटायन को टिश्यूज़ के ऊपर लगाते हैं तो ये क्या करते हैं, सरफेस को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं और प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। ये एक तरीके का एस्ट्रिंजेंट एक्शन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग या फिर मतलब कोई भी जो हमारा डिस्ट्रॉय टिश्यू होता है वो श्रिंक करने लगता है। ऑफ एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट के टू मेन एग्जांपल्स हैं, डेट इज़ पोटेशियम एंड जिंक सल्फेट, जो कि अभी हमें पढ़ने हैं। शैलम को हम दूसरे नाम एल्यूमिनियम पोटेश सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है KAL SO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O। इसमें 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन के। मॉलिक्यूलर वेट होता है 474 ग्राम, और इसका स्टैंडर्ड जो होता है वो कंटेन करता है 99 to 100.5% ऑफ पोटेशियम। रेशन, जब कभी भी हम पोटेशियम बनाते हैं तो हम पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा पोटेशियम एंड वाटर हाइड्रेटेड पोटेशियम रेडी हो जाता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कलर कलरलेस होता है, अपीयरेंस क्रिस्टल होता है, टेस्ट स्वीट एस्ट्रिंजेंट टाइप होता है, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। एट 200 डिग्री सेल्सियस ये एनहाइड्रस बन जाता है और नेचर इसका एसिडिक होता है, pH 4.2 होता है। प्रॉपर्टी, जब हम पोटेशियम को हीट करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल लूज़ कर देता है एंड बर्ट एलम बन जाता है, विच इज़ एन एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम एंड पोटेश सल्फेट। ऑफिशियल टेस्ट है जो इसका आइडेंटिफिकेशन का, जब पोटेशियम को सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में ट्रीट किया जाता है ये देता है रिएक्शन ऑफ पोटेशियम। टेस्ट फॉर प्योरिटी, आर्सेनिक हैवी मेटल आयरन जिंक एंड अमोनियम सॉल्ट के हम टेस्ट करते हैं टू आइडेंटिफाई द प्योरिटी टेस्ट फॉर पोटेशियम। अब इसका ऐसे है, ऐसे इसका बेस्ड होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड में, जहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। स्टोर करते हैं इसको वेल क्लोज कंटेनर में। यूजर्स इसके होते हैं एंटीसेप्टिक, लोकोस्टेपिक प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स विच हार्डन द स्किन, used as biological preparation for alum precipitated tetanus toxoid and alum precipitated diphtheria toxoid. Next है zinc sulfate. zinc sulfate को हम white vitriol के नाम से भी जानते हैं, जिसका molecular formula होता है ZnSO4.7H2O. molecular weight होता है 288 ग्राम।
स्टैंडर्ड होता है इसका, इट कंटेन्स 99% ऑफ ZnSO4.7H2O। प्रिपरेशन होती है जब जिंक को हम H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो ये जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। जब जिंक सल्फेट को हम बैरियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो बैरियम सल्फेट और जिंक क्लोराइड बनता है। एंड द सेकेंड रिएक्शन इज़ अबाउट व्हेन जिंक सल्फेट को हम NaOH की प्रेजेंस में हीट करते हैं इन एक्सेस अमाउंट, तो जिंक सोडियम जिंकेट बनता है एंड वाटर मॉलिक्यूल बनता है। बिकॉज सोडियम जिंकेट इसलिए बनता है क्योंकि वो अपने सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को लिबरेट कर देता है। प्रॉपर्टीज़: कलर कलरलेस, अपेरेंस क्रिस्टल, ऑर्डर ऑर्डरलेस, टेस्ट एस्ट्रिंजेंट और मेटेलिक, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ग्लिसरॉल। ऑफिशियल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे ये जिंक एंड सल्फेट की रिएक्शन देता है जब भी हम इसको हीट करते हैं। अब टेस्ट फॉर प्योरिटी में क्या होता है? टेस्ट फॉर प्योरिटी के लिए हमें टेस्ट करने पड़ते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, प्योरिटी एंड कलर ऑफ सॉल्यूशन, पीएच, आयरन एंड क्लोराइड के। ऐसे इट इज़ बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इनकम्पेटिबिलिटी टेस्ट जब भी हम करते हैं ये इनकम्पेटिबल होता है अल्कलाई कार्बोनेट्स के साथ, हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ एंड एस्ट्रिंजेंट के साथ। स्टोरेज जो होती है ये स्टोर होता है वेल क्लोज कंटेनर में, और इसको नॉन मेटेलिक कंटेनर में क्लोज करते हैं क्योंकि अगर इसको हमने मेटल के कंटेनर में स्टोर करा तो फिर ये रिएक्शंस देगा। यूजेस क्या होते हैं? ये इमिटिक की तरह यूज़ होता है, एस्ट्रिंजेंट की तरह आई लोशंस और ड्रॉप्स में यूज़ होता है। ट्रीट करते हैं इसको कंडीशंस की जिंक डेफिशिएंसी से होती है, जैसे एक्रो डर्मेटाइसिस। और दूसरा ये यूज़ आपका होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए। ऑप्थेल्मिक का मतलब होता है आई प्रिपरेशंस के लिए। ऑलवेज रिमेंबर देर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। थैंक यू।